गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खनेरल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब रेलवे दूर नहीं और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। आज हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो किश्त वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आज कवर अप करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। सब रेडी हैं तो मुझे सब थम्स अप करके बता दें, बहुत मजा आने वाला है। पहले हम होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शॉर्ट टर्म में उन क्वेश्चंस का आंसर देने का आपको तरीका बताने वाला हूं। तो सब लोग जुड़ जाएं और बेफिक्र होके इस चैप्टर को जानने की कोशिश करना। दो दिन आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज आपको परफॉर्म करना है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे। गॉट इट गाइस? तो सब लोग जुड़ जाएं। बहुत अच्छी सुबह है और मुस्कुराते हुए पढ़ना है, तो चलिएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया। यस, ऑल आर रेडी? जी हाँ, तो सब तैयार हो चुके हैं। स्वागत है आप सबका, स्वागत है तहे दिल से। और सब लोग जुड़ जाएं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल सब तैयार हो रहे हैं। धीरे 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 माहौल बन रहा है, स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलिएगा, तो अब मैं आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जो मैंने आपको कल दिया था। क्वेश्चन आप देखिए इस प्रकार है, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन हटवा के इसको सॉल्व करने की तैयारी करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से समझाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होमवर्क का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कल, क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि होमवर्क का, कि हाफ ईयरली कोई इंटरेस्ट है निकालना है। मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपये, आपको इसका कितना दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है। रेट आपकी क्या दे रखी है, रेट आपकी दे रखी है 4%। और आपका टाइम दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 2 वर्ष, टाइम आपका दे रखा है 2 वर्ष। अब आपको इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, अर्धवार्षिक तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना। तो अब कैसे करते हैं इसको, आपको सबको पता है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। मूलधन दिया गया है, रेट दी गई है, टाइम दिया गया है और हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन में हटाने के लिए कहूंगा, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं इस क्वेश्चन को। गॉट इट? तो जैसे ही आपको हाफ ईयरली निकालना होता है, अर्धवार्षिक निकालना होता है, तो आपकी जो नई रेट है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। हाफ ईयरली में रेट आधी हो जाती है और समय आपका दुगना हो जाता है, ठीक है। तो समय हो जाएगा आपका 4 वर्ष। अभी तक हमने 2 वर्ष का तक का निकाला है, 3 वर्ष का निकाला है, लेकिन 4 वर्ष का इंटरेस्ट आज तक नहीं निकाला। तो सर कैसे निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, बस आपको दिमाग से और सोच समझ के क्वेश्चन को करना है। अगर मैं 2% रेट है मेरी, रेट मेरी कितनी है 2% है, मैं इसको फ्रैक्शन में बदलता हूं, तो यह हो गया मेरा 1/50, ये 1/50 हो गया। मेरे पास मूलधन कितना है, मेरा 10,000 है, तो मैं इसको 10,000 ही लेके चलता हूं। अब इससे मेरा क्या फायदा होता है, 10,000 लेने से मेरा क्या फायदा होगा, कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो मेरा एक्चुअल आंसर होगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा एक्चुअल आंसर होगा। गॉट इट? जी बिल्कुल, सब तैयार हैं जी, आंसर आ रहा है। देखो तरीका कैसे देते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप चुटकियों में इसका आंसर दे पाएंगे। 10,000 आपका है, 4 वर्ष के लिए हमें निकालना है, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा और 4 वर्ष, मैंने 4 वर्ष लिख दिया यहां पे, क्लियर है। पहले वर्ष के लिए क्या होगा, 10,000 का, 10,000 का 1/50, ये पहले वर्ष के लिए होगा, 10 से 10 कट गया और ये आ गया आपका 200। तो मैं ये कह दूं कि पहले वर्ष के लिए सब में सेम रहेगा 200 200 200 और 200, चारों साल के लिए, क्लियर है, चारों साल के लिए सेम रहेगा। अब इस 200 का इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी ब्याज जुड़ेगा, इसमें भी ब्याज जुड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 200 का 1/50, क्योंकि रेट तो आपकी 1/50 है ना, रेट तो आपकी 1/50 है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 4। तो 200 का 4 यहां पे भी ऐड होगा और ये 4 यहां पे भी जाएगा और ये 4 यहां पे भी जाएगा, क्लियर है। तो ये 4 यहां पे आ गया है ना। अब क्या होता है, अब सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो थर्ड ईयर में ऐड होगा और जो थर्ड ईयर का ब्याज है वो फोर्थ ईयर में ऐड होगा। कैसे करते हैं, एक एक तरीके से समझो, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। देखो क्या करना है,
अब 200, अब इस वाले का तो सब में जुड़ गया, ठीक है, इस वाले का तो चार चार सब में हो गया, अब इस 200 का इसमें जुड़ेगा जो कि कितना हो जाएगा 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08। कैसे होगा भाई, 4 बटे आप 50 करोगे तो 0.08 ही आता है, 0.08 ही आता है, ठीक है, तो इस 4 का हो जाएगा 0.08। अब इस वाले तीसरे साल का चौथे साल में जुड़ेगा, वो क्या होगा, इस 200 का कितना हो जाएगा 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08, और इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08, बस। और इस 0.08 का निकालोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत छोटा आएगा। हमारा आंसर तो इसी से ही आ गया, क्योंकि आपको पता है 200 200 200 200 8 अपना हो गया है कितना 800 4 दुनी 12 4 दुनी 8 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, ठीक है, तो सॉरी 4 5 20 हो गया यहाँ पे अपना, है ना, तो यहाँ पे आपका 4 5 20 हो गया और ये क्लियर हो गया 824, ठीक है, तो 4 5 20 और एक और 4 आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं मैंने कहाँ गड़बड़ की है, 200 का ये 4 बन गया और इस 4 का ये सब जगह 4 जुड़ गया, यहाँ पे हो गया इस 200 का 4 और इस 4 का 0.08, है ना, इस 200 का 4 और इस 200 का 4 4 का 0.08, इस 200 का 4, है ना, और इस 200 का 4 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और इनका 0.08 0.08। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, जी हाँ, तो 676 तो नहीं आएगा, चेक करें इसमें कहाँ, आपने देखिए चेक करें इसको, यहाँ तक आपने क्लियर किया सबसे पहले मुझे बताएं सब लोग, जी सर यहाँ तक क्लियर है, आठ सौ चौबीस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं 4 छूटा है हमारा, वो हमें देखना है कि हमने कौन सा इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया है। यहाँ तक तो मेरा 4 4 ठीक है ना, हाँ, अब हमारा एक और 4 आने वाला है, ठीक है दोस्तों, अब देखो दोबारा से समझो, हाँ देखिए दोबारा से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करो, अब मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूं आपके लिए, क्योंकि छोटी सी एक गड़बड़ हुई है उसको कैलकुलेट करने में, देखते हैं एक बार देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहां पे देखें कि हमें पहले, यहां तक देखिए दोबारा से देखें, पहले आपके 200 200 200 सब में हो गए, 200 200 सब में हो गए, ये तो कंफर्म है। अब इस वाले 200 का इंटरेस्ट क्या लगेगा, 1 बटे 50 करूंगा तो यहां पे मेरा 4 आ जाएगा, यहां पे भी 4 आ जाएगा और यहां पे भी 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है सबको। अब मुझे इस दूसरे साल का इस तीसरे और चौथे में जुड़ेगा, तो इस दूसरे साल के 200 का इसमें कितना हो जाएगा 4, और इस और इसमें भी हो जाएगा आपका 4, ठीक है, समझ में आया कि भाई इस दूसरे साल के 200 का इसमें भी 4 और इसमें भी 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08 और 0.08, ये बात है बस, है ना। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अब इस तीसरे साल का इस चौथे साल में जोड़ना है, तो तीसरे साल के 200 का कितना हो जाएगा यहां पे 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08, इस 4 का कितना हो जाएगा 0.08, ये है बस काम, ये आपको काम करना है बस, ठीक है। जो मैंने क्या किया था, हाँ, फोर्थ रो में मैंने थर्ड ईयर का नहीं लिया था 4, जो कि लेना है, क्योंकि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस साल का इसमें कंपाउंड जुड़ेगा और सब में जुड़ेगा, इस साल का इसमें और इसमें जुड़ेगा, और इस साल का सिर्फ इसमें जुड़ेगा, क्लियर है, और सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 800, ठीक है, 800, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 20 4 24, ठीक है, और 8 और 8 4 32, तो मैं ये कह देता हूं 824.32 आपका आंसर होगा, 824.32 आपका आंसर होगा। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा सर कि 0.08 का भी ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जब भी आपका 824 आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर टिकाना, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या है, आपके सामने ऑप्शन क्या है ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन दिख रहा है, दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन जैसे ही आपको दिखा कि मेरा 824 वाला ऑप्शन है तो आप अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देंगे, क्लियर है, आप अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देंगे। ये बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया है, करके देखना सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, देखो क्लियर सब कुछ होगा, यस। चलिए अब मैं चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, 4 साल का है, कैसे निकालते हैं वो बता दिया है ना।
चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था उसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको रेट कितनी दे रखी है 10%, रेट कितनी दे रखी है दोस्तों 10% दे रखी है, और मैं कहूं कि आर को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो ये 1/10 हो गया है ना, तो ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है इंटरेस्ट है, तो मैं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखूंगा तो 11/10 हो जाएगा। कैसे आया 11, आपको पता है जब आपका मिश्रधन निकालते हैं तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल आपका 10 है और ब्याज आपका 1 है, तो ये 11/10 हो जाएगा। क्लियर है? आप जानते हैं कि 11/10 के ऊपर जो आप टी लगाओगे वो आपके किसके बराबर होगा, वो आपके बराबर होगा 2420/2000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 है ना, ये आपके बराबर है 11/10 की पावर t के, है ना। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा अपना 11/10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आपके बेस समान है, आधार समान है, तो ऊपर वाली पावर भी समान होंगी, तो आपका समय आ जाएगा 2 वर्ष, तो आपका t आ जाएगा 2 साल। चलिएगा आपका समय आ जाएगा 2 वर्ष। क्लियर है गाइस? हाँ ठीक है। आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। जैसे कि एक तरीका मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, एक तरीका क्या बताता हूं कि 10 से 11 हो गया। अब वही बात आ जाती है कि आपका मूलधन 100 है और आपका मिश्रधन 121 है ना, लेकिन आपको क्या दे रखा है 2 वर्ष का दे रखा है, तो आपको इसको इसके बराबर करना है 2000 के बराबर, तो आपका दुगना हो जाएगा, टी बराबर 2 वर्ष आ जाएगा आपका, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मूलधन आपका 2000 दे रखा है। क्लियर है? तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो कह रहे हैं ना, इससे अच्छा तो फॉर्मूले से समझ में आएगा मेरे भाइयों, फॉर्मूला क्या होता है देखना, a बराबर p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। दोस्तों आप समझने की कोशिश किया करो, ये फॉर्मूला ही तो था, कुछ भी चीज अलग थोड़ी हो सकती है, बिना बेसिक के ट्रिक कभी नहीं बनता। आपको ये पता है कि r यहां पे कितना है 10% है, तो ये अपने आप 110/100 हो गया, और 0 से 0 कट गया इसकी पावर t, और यहां पे मैंने a अपॉन p किया, और मैंने क्या किया, और ए आपका क्या था 242 0 और 2000, बात तो वही है, और वही चीज मैंने यहां पे लिखी थी, लेकिन किसी को समझ में आए तभी तो। यहां से 0 से 0 काट दो, ये आपका 121/100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो आपका टी बराबर अपने आप 2 आ जाएगा। तो चीजें दोनों सेम है, बात वही है, ठीक है। तो चीजें समझो, कोई अलग चीज थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको, है ना। चलिएगा चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। हाँ नहीं भाई, इसी से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है तो क्लास में रुको, देखो आज बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आप भरोसा रखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, दिमाग सही हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा आ जाएगा, गारंटी इस बात की है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाईफाई स्टडी आपके लिए टेस्ट सीरीज धमाका लेके आया है, जिसका आज पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी 50% ऑफ पर। जैसे कि आपको पता लग रहा है ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, 30, 31 और 1 तारीख तक, और आप जल्दी ही परचेज करें, क्योंकि इसमें रेलवे के दोनों एग्जाम कवर होने वाले हैं और RPF भी कवर होने वाला है। और आपको इसको खरीद कैसे सकते हैं, आपको साफ तौर पे लिखा हुआ है, मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं, वेब पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, और कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पर। गॉट इट गाइज? चलिएगा अब हम चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर छह देखें, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक हो, 5000 रुपए की धनराशि 4% की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन हटवाऊंगा इस वजह से, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमें कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना दे रखा है 5000, क्वेश्चन समझ लो बस। आपका मूलधन कितना दे रखा है 5000, आपकी रेट कितनी दे रखी है 4%, आपकी रेट कितनी दे रखी है 4%, और आपका टाइम कितना दे रखा है 1.5 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों 1.5 वर्ष। बहुत ही शानदार कंसेप्ट होगा। अब आपसे पता क्या बोला है कि पहले तो भाई ईयरली ब्याज कैलकुलेट करो, मतलब वार्षिक,
पहले तो वार्षिक कैलकुलेट करो और फिर इसी दर से और इसी टाइम से अर्धवार्षिक कैलकुलेट करो, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करो ब्याज, है ना, अर्धवार्षिक ब्याज हाफ ईयरली, और दोनों का अंतर निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम चलते हैं, मैं क्वेश्चन को हटवा देता हूं, अपने आंसर्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, चलेगा। अब देखो कितनी शानदार तरीके से करेंगे, मूलधन हमारा 5000 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है, देखो तरीका, देखो कैसे करते हैं, है ना, हमें पता इतना है कि अगर मेरा 5000 मूलधन है, पहले मैं क्या करता हूं, वार्षिक निकाल लेता हूं, ईयरली कैसे निकालते हैं ध्यान देना, हमने हमेशा सीखा है एक साल का, दो साल का, तीन साल का तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन डेढ़ साल का कैसे निकालेंगे सर? तो तरीका एक बताऊंगा, मजा आ जाएगा, बस ध्यान से समझ लो। तो मैं पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं, वार्षिक तौर पर मेरा मूलधन कितना है, 5000 है, तो 5000 मैंने लिख दिया यहां पे, मेरी रेट कितनी हो जाएगी यहां पे, रेट 4% ही होगी, क्योंकि वार्षिक ले रहा हूं, रेट सेम रहेगी वार्षिक में, अर्धवार्षिक में चेंज होगी, वो आपको पूछूंगा मैं कि क्या हो जाएगी, 4% है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/25, ठीक है, 1/25 लिख सकता हूं, तो मैं पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए लूंगा, मेरी बात सुनना, जो डेढ़ साल है आपका, उसमें आपका एक साल पूरा है, एक साल का ब्याज तो पूरा है, क्लियर है, और डेढ़ साल में मतलब दूसरे साल का आधा, डेढ़ साल का मतलब क्या हो जाएगा, एक साल का पूरा और दूसरे साल का भी निकाल लो और उसका आधा कर दो, वही आपका डेढ़ साल का हो जाएगा, देखो कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो डेढ़ साल है तो पहला और दूसरा साल, तो 1/25 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 200, मेरे पास 200 आ गया, और दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 200, ठीक है, और इसका भी तो ब्याज लगेगा इस दूसरे साल में, तो 200/25 करूंगा तो 8, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका टोटल ब्याज कितना हो गया, आपका टोटल ब्याज कितना हो गया, ये आपको पता लगाना है, तो पहले साल का तो पूरा जुड़ेगा, तो पहले साल का हो जाएगा 200, और दूसरे साल का क्या होगा, आधा होगा, क्यों होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें दूसरे साल का आधा ही तो निकालना है, तो जो आपका आधा साल है उसका 1/2 से गुणा कर दो, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो मैं ये कह दूं 104 आ जाएगा, बस 200 और 104 मतलब 304 आपका यहां पे आ गया, ये दो डेढ़ साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक तौर पे, क्लियर है, डेढ़ साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक तौर पे ये 304 आ गया। अब आगे आपको करना है अर्धवार्षिक तौर पे, आगे क्या करना है, अर्धवार्षिक तौर पे करना है, हाफ ईयरली में क्या होता है, आपकी रेट आधी हो जाती है, मतलब 2% हो जाएगी, और आपका समय कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा, डेढ़ साल का 3 वर्ष, तो यहां पे आपको क्या करना है, हाफ ईयरली में करना है। हाफ ईयरली में कैसे करोगे, हाफ ईयरली में 3 साल के लिए, पहला दूसरा और तीसरे साल के लिए, ठीक है, पहला दूसरा तीसरे साल के लिए, तो रेट कितना है आपका, 1/50 है, और मूलधन कितना है, 5000, तो मूलधन तो सेम रहेगा ना, तो 1/50 जब मैं करूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा 100, यहां मेरे पास आ जाएगा 100, और यहां मेरे पास आ जाएगा 100, यहां तक क्लियर है दोस्तों, यहां मेरे पास 100 आ गया, यहां मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो यार, मजे से पढ़ो, मैं एक एक चीज देना चाहता हूं इसलिए बहुत स्लो पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी मेथड है, बहुत आसान मेथड है, लेकिन सीखोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा 1/50 था मेरा, मैंने इसको 5000 से डिवाइड किया तो मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। अब इस 100 का लगेगा 1/50 से 2, और इधर भी 2 लगेगा, और अगर मैं इसका इसमें जोड़ूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/50 से 2, और 2 से 2/50 कितना हो जाएगा मेरा, 2/50 मेरा हो जाएगा 0.04, कितना हो जाएगा 0.04। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका और इसका आपको अंतर निकालना है, तो देखो 304 तो यहां पे हो गया, तो यहां पे 304 गिन लो, 100, 200, 300 और 2 और 2 4, तो 304 तो मेरा ये कट गया, और बचा कितना आपका 2.04, यही आपका अंतर है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि ईयरली और हाफ ईयरली में डिफरेंस क्या है। अब मुझे बताओ समझ में आया, हाँ ठीक है, अब बताओ दिक्कत कहां है, एक एक नीट एंड क्लीन तरीके से बताया है, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ मुझे, कोई दिक्कत, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा पेपर हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्लियर हुआ दोस्तों। हाँ, अब जो ब्रजेश कुमार है, ब्रजेश कुमार आप पहली बार क्लास में आए हो, तभी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर 1/50 कहां से आया और 1/25 कहां से आया,
भाई मैंने 4% को 1/25 लिख सकता हूं ना, आपको पता होना चाहिए 4% बराबर 4/100। अब ऐसे डाउट पूछोगे तो इस बड़े बड़े क्वेश्चन को समझोगे कैसे। तो मैंने आपसे कहा है कि भाग तीसरा चल रहा है, हमेशा 11 बजे क्लास अटेंड करो, सोमवार से शुक्रवार क्लास होती है, लेकिन आप सुनो तभी तो किसी की, है ना। तो चीजें समझने की कोशिश करो गाइज। हाँ चलिएगा, ठीक है। हाँ अब यहां क्लियर हो गया सब कुछ आपका। अब मैं चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10वां करें। कितने समय में हाँ देखिए करते रहो यार, मैं तो आपको चीजें बताऊंगा ही। आप चाहे कितना भी कह लो कि सर चीजें बहुत शानदार तरीके से, अभी क्वेश्चन होंगे लेकिन सब्र आपको करना है। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा लेकिन डटे रहोगे तभी समझ में आएगा, छोड़ के चले जाओगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, चाहे कहीं भी पढ़ लो, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। हाँ चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जब आपसे बोला है कि अर्धवार्षिक है, इसमें भी क्या बोला गया है, हाफ ईयरली लिया गया है, देख रखा है आपको, हाफ ईयरली लिया गया है। तो आपको क्या करना है इसमें, सीधी सी बात है, आपकी जो रेट है वो आधी हो जाएगी, तो मतलब 10% हो जाएगी, 20% दे रखिए, 10% हो जाएगी क्योंकि हाफ ईयरली लिया गया है, और समय आपका दुगना आएगा जानबूझ के। तो जो भी समय आएगा उसका आपको आधा करना है। आपको कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें रेट चौगनी हो गई थी, है ना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, आपको समय निकालना है। तो मैं ये कह देता हूं 1331/1000 कर लो आप एक बार, और रेट कितनी है 10%, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 11/10, जो आपका 11/10 हो जाएगा, और इसकी पावर t। तो ये क्या है आपका 11/10^3/11/10^t, और t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 साल। लेकिन ये 3 साल हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होगा। 3 साल हमारा एक्चुअल आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ ईयरली लिया गया है। तो इसमें आप 3/2 कर दो, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1.5 साल। तो हमेशा ये याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपसे रेट पूछ ले हाफ ईयरली में, तो रेट को आपको करना है दुगना और समय को करना है आधा, जब पूछ ले क्वेश्चन में, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 साल इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट गाइज। क्योंकि देखो अगर हम नेचुरल तरीके से करते तो 3 साल आता, लेकिन हाफ ईयरली की वजह से ये हाफ हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हाँ अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, इसको करें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करें गाइस, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सब्र करो, पहले होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तो अभी क्लास स्टार्ट होगी, मजा आएगा ये गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। एक व्यक्ति 6000 रुपए की एक धनराशि 5% के साधारण ब्याज की दर से जमा कराता है, तो मैं ये कह दूं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल दूंगा, 6000 का 5% 2 साल के लिए है ना, 6000 का 5% 2 साल के लिए। तो 6000 × 5/100 × 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आपका आ गया 600 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 600 रुपए, APRT/100 लगा दिया। अब आगे क्या बोला गया है कि 5000 रुपए पर 8% की दर से ब्याज, तो मैं ये कहता हूं आपके मूलधन कितना है, 5000 है, रेट कितनी है आपकी, 8% है, तो मैं इसको 8/100 लिख दूं, जरूरी नहीं है हर बार पूरा सॉल्व करो, देखो कितनी आसानी से आएगा। 2 साल के लिए निकालना है, पहला साल और दूसरा साल, 8/100 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 400, ठीक है, और 400, ठीक है, 8/100 करूंगा इसका मूलधन का, तो 400 और 400 आ गया, और इस 400 का 8/100 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो यहां पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरा 832, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा 600, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 232। तो यही मेरा आंसर है, 232 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर हो रहा है, 232 इज द राइट आंसर।
बहुत आसानी से आप कर रहे हो यार, इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकते, समझो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना। लेकिन आप अभी जो सोचोगे ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, समझोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, गारंटी इस बात की भी मैं देता हूँ, है ना। लेकिन समझोगे तो सब कुछ आएगा। चलिएगा, क्लियर है गाइज, बताते रहें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और पढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर देना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका मूलधन आपको दे रखा है 32,000 रुपए। कितना दे रखा है? 32,000। रेट आपको दे रखी है 15%, रेट आपको दे रखी है 15%। और आपको टाइम दे रखा है, आपका टाइम कितना है? 2 वर्ष 4 माह। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं, तरीका वही होगा जो आपके लिए आसान होगा। क्लियर है? चलिएगा स्टूडेंट्स, दिमाग लगाएं अपना और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हाँ, जो भी देखिए जितने भी डाउट है ना वो अब सब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन रुको, प्लीज क्लास में रुके रहो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहां से आएगा, जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो कहां से आएगा। क्लियर है? चलिएगा, जो लोग सोचते हैं ना कि अबे हमें समझ में नहीं आ रहा, डिसलाइक ठोको और चलते बनो, है ना, वो लोग खुद से भाग रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा, रुके रहो। जो स्टूडेंट को भरोसा है ना वो ही रुको क्लास में, और जिनको नहीं भरोसा है वो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप पढ़ ही नहीं सकते, जज करने आते हो तो आप पढ़ ही नहीं सकते मुझसे। अगर पढ़ना है तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे, समझोगे तभी। क्लियर है? चलिएगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो इस क्वेश्चन का। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करना है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। हमने 1 साल का निकालना जानते हैं, 2 साल का जानते हैं, 3 साल का जानते हैं, लेकिन अगर महीनों में आ जाए तो हम क्या करेंगे? महीनों में आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो मैं इसको कहता हूं कि अगर टाइम महीनों में आ जाए तो इसको वर्ष में बदल दो। तो आपको 2 वर्ष तो पूरा पूरा निकालना है, 2 वर्ष तो पूरा पूरा निकालना है, और 4 महीने में कितने वर्ष हो जाएंगे? 12 का भाग दे दो, मतलब 1/3 वर्ष। तो मैं ये कहता हूं 2+1/3 वर्ष का निकालना है। कुल मिला के बात वही हो जाती है जो हमने किया था, कि पहले क्या था, 1.5 साल था ना उस वाले क्वेश्चन में, 1.5 साल था, तो मैंने 1 साल का निकाला और दूसरे साल का निकाल के आधा कर दिया, है ना। इसी तरीके से इसमें पूरा पूरा 2 साल का निकालना है और तीसरे साल का 1/3 करना है। इतना सा काम आपको करना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग लगा के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, रेट क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलता हूं, 15/100 कर दिया मैंने, 15/100 कर दिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 से 5 दिया 15 और 20 5 100, है ना, तो 3/20 आ गया। कितना आ गया? 3/20 आ गया। अब मेरे पास 3/20 यहां पे है, मुझे 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष तो मेरा पूरा पूरा है, 2 वर्ष तो मेरा पूरा पूरा है, और तीसरे वर्ष का मुझे 1/3 का निकालना है, तो तीसरे वर्ष का मुझे 1/3 भाग कर देना है। तो मैं इसको कैसे डील करूंगा? 3/20 का मैं 32,000 से गुणा करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 0 से 0 चला गया, 1600 और इंटू 3 4800, कितना आ गया 4800, इसमें भी 4800 रहेगा और इसमें भी 4800 रहने वाला है। क्लियर है? अब 4800 का इसमें क्या जुड़ेगा, 3/20 करो, 3/20 करोगे तो आपका कट जाएगा 0 से 0, 240, 24 से 72, 720 और 720। क्लियर है? अब इस 4800 का भी इसमें जुड़ेगा और 720 का भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इस वाले का भी तो इसमें जुड़ेगा ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 4800 का तो आप जानते हैं 720 है, और 720 का क्या हो जाएगा, फिर से 3/20 कर दो इसका, 3/20 करोगे तो आपका 0 से 0 चला जाएगा, 36 दिया 108, तो 108। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे देखो, आपको इतना पता लग गया कि 4800 यहां पे आ गया और 720 यहां पे आ गया। ठीक है, 2 साल तो आपको पूरा पूरा लेना है, 2 साल तो आपको पूरा पूरा लेना है, तीसरा साल है उसका आपको क्या करना है, 1/3 करना है, क्योंकि मुझे 2 सही 1/3 साल का चाहिए।
दो प्लस एक बटे तीन साल का चाहिए, तो दो साल तो पूरा पूरा, तो 9600 प्लस 720, तो ये तो मेरा हो ही जाएगा 0, 2, 7, 6, 13 और ये हो जाएगा 10, 320, ये तो मेरा हो ही गया। अब इसका भी मुझे एक बटे तीन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इससे मैं तीन से काटूंगा तो 1600, इसको मैं तीन से काटूंगा 240, इसको भी 240 और इसको मैं तीन से काटूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 36, ठीक है। और अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 6, मेरे पास आ रहा है 4, 4, 8 और 3, 11, 1, 6 और 4, 10 और 1, 11, 1, ये आ जाएगा 2116 और 2116 मैं इसमें ऐड करूंगा तो 6, 3, 4, 12,436, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12,436, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12,436। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, समझ में आएगा और आंसर भी सही आएगा, ये गारंटी इस बात की है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको अगर चार माह दे रखा हो तो दो साल का पूरा पूरा निकालो और तीसरे साल का एक बटे तीन कर दो और सबको जोड़ दो, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा। बहुत बढ़िया, जिनका सही आ रहा है ना वो समझ रहे हैं, जिनका नहीं आ रहा वो बस डिसलाइक कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वो आगे जिंदगी में सीधी सी बात यही होती है कि हमें तत्परता दिखानी पड़ती है, समझना है तो ये चीज समझो ना, इतना स्लो कोई नहीं समझाएगा आपके पैसे लेके भी, गारंटी इस बात की है। तो आपको ये चीजें समझनी है तो अभी समझ लो, समय बार बार नहीं आता, क्लियर है, चलिएगा। 720 कहां से आया, देखिए अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो लोग आज जुड़े हैं, जिनको पता है वो आंसर भी दे दिया उन्होंने, क्लियर है, चलिए। तो पुरानी वीडियो भी देखो दोस्तों, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है मेरे से आपकी, लेकिन आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखोगे तो तीसरे पार्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना, चलिएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, इस पे और क्वेश्चन करना है, इसी मेथड पे और क्वेश्चन करना है तो जल्दी से बताओ मुझे कि यस सर करना है, तभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन और करना है तो। चलिएगा, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिससे दिमाग खुले, यार क्वेश्चन करो दिल से जो आप करना चाहते हो, कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी इस बात की है, चाहे जिनको नहीं पढ़ना वो कोई बात नहीं चले जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा कि आप इतने अच्छे क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, है ना। तो 2 वर्ष 3 माह और आपकी रेट है 5%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन है और आपको क्या निकालना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चलिए करिए। मजा आ गया सर, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करना है। दो साल तो पूरा पूरा लेना है और तीन माह मतलब 1/4 वर्ष, तीन माह मतलब 2 साल और 1/4 वर्ष, फिर से वही तीन साल के लिए कैलकुलेट करो, दो साल तो पूरा पूरा और इस वाले साल का 1/4 से गुणा कर दो बस, ठीक है। तो पहले साल का कितना हो जाएगा, पहले साल का 10,000, रेट कितनी है मेरी 1/20, 5% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 1/20 हो गया, 20 का जब मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 500, ये भी 500 और ये भी 500, यहां तक क्लियर है, ये 500 हो गया, सब आंसर दे मुझे, बस आंसर की उम्मीद है, सबसे आंसर देंगे सब लोग, ये 500 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 500 का 1/20 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 25 और यहां पे भी मेरा 25 जुड़ जाएगा, भाई इसका जो ब्याज आएगा वो यहां पे भी जुड़ेगा, वो यहां पे भी जुड़ेगा। अब दूसरे साल का इस तीसरे साल में जुड़ेगा तो 500 का तो मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 25, 500 का मेरा 25 और 25 का कितना आ जाएगा 25/20, 25 का कितना आ जाएगा 25/20, यही होगा। और मैं इसको देख सकता, इसको क्या लिख सकता हूं 25/20 को, आप भी जानते हैं, मैं लिख सकता हूं इसको 1.25, क्या लिख सकता हूं 1.25, 25/20 कर दिया 1.25, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया, अब आपको ये तो पूरा पूरा लेना है, ये तो आपको पूरा पूरा लेना है, तो 1025 तो यहाँ पे आपका आ ही गया, लेकिन जो ये तीसरा साल है, तीसरा साल पूरा थोड़ी लेना है आपको, 1/4 लेना है बस आपको, 1/4,
है ना। तो आपका इसका 1/4 करोगे तो आपको 1/4 करना है सब में और तुरंत आपका आंसर आपके सामने है। तो 500 का मैं 1/4 करूंगा, 500 का मैं 1/4 करूंगा तो 125 जोड़ दूंगा, 25/4 करूंगा तो 25/4 कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करिए फटाफट से। जी हाँ, 1162.81 राइट आंसर, बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर दिया है। तो मैं ये लिख देता हूं 25 और 25 50 है ना, तो मैं डायरेक्ट 50/4 कर देता हूं और इसको तो मैं लिख सकता हूं ना 12.5, तो मैं इसको लिख सकता हूं 12.5, क्लियर है। और 1.25/4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 तिया 12 बचे मेरे पास, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.3125 ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 25, 1, 8, 5 और 12 और 5, 6 और 1162.81 आपका आंसर आ जाएगा, 1162.8125, शानदार आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना, अब पता है कौन किस किस लेवल का क्वेश्चन है पता है, मैं आपको लेवल बताता हूँ इस क्वेश्चन का, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो टफ लेवल होता है ना, सबसे टफ लेवल, उस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। सीख रहे हो तभी दे पा रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आपको सिखाया जा रहा है और आप बेहतर कर रहे हो और इससे ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ रहा है वही मेरे लिए गर्व की बात है और कुछ भी मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, क्लियर है गाइज। जी हाँ, बस आपको करना पड़ेगा, जुड़ना मेरे साथ पड़ेगा और कोई चारा आपको लगता है कहीं और आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कोई रोक नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आपकी मर्जी होगी तो आप पढ़ोगे, आपकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं पढ़ोगे, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इससे बेहतर नहीं मिलेगा, गारंटी इस बात की है, चलेगा। हाँ देखिए, अब जो बच्चे कह रहे हैं सर शॉर्ट ट्रिक से कराया करो, मेरे भाई दिमाग वाले भाई, दुनिया में कोई से बड़ा टीचर होगा तो ये इतना नहीं समझाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक तो उड़ा देता है, ठीक है। हाँ ये शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है, चलिएगा। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, आपका पी दे रखा है 36,000, पी आपका दे रखा है 36,000, मतलब प्रिंसिपल आपका दे रखा है, आपकी रेट दे रखी है R1 20%, ठीक है, R2 आपका दे रखा है 16/2/3%, ठीक है, और R3 आपका दे रखा है 37.5%, क्लियर है। ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए है, ये आपका सेकेंड ईयर के लिए दर है, ठीक है, और ये आपका थर्ड ईयर के लिए दर है, रेट है, ठीक है, ये सारी दर दे रखी है आपको पहले ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, आपको क्या निकालना है, मिश्रधन कैलकुलेट करना है। तो करिए कैसे करते हैं, मैंने आपको कल भी तरीका बताया है और आज भी उसी तरीके से करने वाले हैं, है ना, ठीक है। अब इस तरीकों को कैसे देखेंगे, R1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/5, R2 क्या होता है 16/2/3, 16 तिया 48 और 2 50/3, और नीचे 100 लेके आऊंगा तो ये मेरा यहां से 1/6 हो जाएगा, करके देख लो 16/2/3 आएगा, ये 37.5 है, ये क्या होता है, ये होता है आपका 12.5% इंटू 3 होता है, करके देख लो कैसे भाई, 37.5 को मैं 12.5 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, 12 तिया 36, 5 तिया 15, एक हासिल आ जाएगा 37.5 बन जाएगा। हमें पता है कि 12.5% कितना होता है 1/8, तो गुणा 3 कर दो तो हम कह सकते हैं कि ये 3/8 हो गया, ये 3/8 हो गया, ठीक है। अब ऐसे चीजों में क्या करते हैं, मिश्रधन निकालना है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, रेशो वाला। तो मैं ये कह दूं आपका A/P क्या हो जाएगा, तो मैं A/P क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 6/5, ब्याज जोड़ना है मुझे, ये हो जाएगा आपका 7/6 और ये हो जाएगा आपका 11/8, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि आपका प्रिंसिपल अगर 5 है तो आपका मूलधन कितना है 6, वो मिश्रधन कितना है 6, आपका प्रिंसिपल 6 है तो मिश्रधन आपका 7, आपका प्रिंसिपल 8 है तो मिश्रधन आपका 11। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा करना है 6×5=30 और इंटू 8 तो 240, तो आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7×42×11, तो 42×11 करने पर आपके पास आ जाएगा 462। तो मैं ये कह दूं कि आपका 240 है, जो 240 मूलधन है वो 36,000 के बराबर है, 240 एक्चुअल में जो मूलधन है वो 36,000 के बराबर है। तो ये आपका 240 अगर मैं
36,000 के बराबर करता हूं तो आपका 1:1 किसके बराबर आ जाएगा, 150 के, 1:1 किसके बराबर आ जाएगा, 150 के। और आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट तो 462, तो 462 इंटू 150 करना है, और 150 को आप क्या लिख सकते हैं, 300/2। आप जानते हैं ना 150 क्या होता है, 300 का आधा होता है। तो इसको जब आप 2 से काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 इंटू 300 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, 6, 3। ठीक है, यहां देख लेते हैं कि क्या है, 693, हाँ 693 आ जाएगा, 693 00 आपका आंसर है, 693 00 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, सीधा कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मैं इसको कुछ भी नहीं समझाता आपको, तरीका बताता हूँ कि जो बच्चे स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक किसको मानते हैं, मैं आपको ये नहीं बताता कि फ्रैक्शन कैसे आया। मैं पता है क्या करता, मैं आपको ऐसे भी कर सकता था और इसको आप शॉर्ट ट्रिक मान लेते हो और उन टीचर्स को आप बेहतर मानते हो, है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, 20% को दोस्तों 1/5 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1/6 और इसको लिख देते हैं 3/8। ठीक है, और बस आपको सीधा सा ये लगाना है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका 6 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 6। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 और 7, 8 और 11, इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लीकेशन आता है 240, इसको इसके बराबर कर दो, आपका रेशो आ जाएगा 150 और 150 को आपका इससे गुणा करना है जो कि 462 आ जाएगा। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, मुझे मुझे आपका काम सुगम और आसान करना है, फास्ट आप अपने आप हो जाओगे। क्लियर है गाइस? जी हाँ, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि हाँ, अभी भी देखिए किसी किसी लोगों को मज़ा नहीं आया, मज़े लेने नहीं आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो सारे मज़े तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। चलिए अब चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लेता हूं, है ना, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लेता हूं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। अब मैं किस्त के क्वेश्चन करा रहा हूं, इंस्टॉलमेंट करा रहा हूं आपको, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करते हैं। किस्त कैसे निकालना है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शो किया जाए। मोटिवेशनल क्वेट दूंगा, चिंता ना करो। चलेगा, प्रैक्टिस कैसे करें, आपको प्रैक्टिस करनी है अपने मन से, जितने आप शिद्दत से करोगे। सारे चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप वाईफाई स्टडी पे ऐसे डालिए साहिल सर, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है टॉपिक का नाम डाल दें और आप आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब किस्त का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है, आंसर जिनका आ रहा है 1352 बिल्कुल सही है। एक बिल्डर ने उधार ली गई राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत तक 2550 रुपए की राशि को 2 किस्तों में चुकाया है। ठीक है, तो मतलब कितने रुपए की राशि थी, मूलधन इसका कितना था, 2550 था। ठीक है, ये टोटल मूलधन था हमारे पास। ठीक है, अब क्या बोला गया है, रेट आपकी कितनी दे रखी है, 4%, तो 4/100 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/25, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/25। आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, तो कैसे लगाना है मेरी बात सुनो। आपके पास ये आपका, आप इसको 26/25 लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, आप 26/25 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर मैं प्रिंसिपल 25 लिखूंगा तो आपका अमाउंट हो जाएगा 26। आप प्रिंसिपल 25 लिखोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 26। बहुत आसानी से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस एक बार आपने पहले वर्ष के लिए क्या कर दिया, 25 और 26 लिख दिया इसको। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरा कहना आपसे क्या है, मेरा कहना सुनना, जब दूसरे वर्ष के लिए करते हो ना तो किश्त वाले क्वेश्चन में पहला वर्ष के लिए 25-26 लिख दिया रेट को, दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो 625 और इसका भी स्क्वायर कर दो 676। यहां तक क्लियर हुआ, क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है,
और तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है कि जो ये 676 है ना, ये इसको भी 676 बनाना है, तो मुझे यहां पे भी 26 का गुणा करना पड़ेगा। अब अगर मैंने यहां पे 26 का गुणा कर दिया तो मुझे इस रेशो में भी 26 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इस रेशो में भी मुझे 26 का गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर ये बराबर हो गए भाई, 676 और 676 हो गए, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 625 और 25 × 26। तो ये आप जान सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर 625 1250 प्लस 25 करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1275। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, तरीका देखो मैंने कैसे कैलकुलेशन की है, 25 × 26 है तो ये कैसे मिलके बना हुआ है, 25 × 25 प्लस 1 ही तो है ये, तो मैं ये कह देता हूं 25 25, 625 और प्लस 25, तो 625 और 625 1250 और 25, तो मैंने 1275 ऐसे बना दिया। तो ये आपका मूलधन हो गया 1275, जो कि आपका दे रखा है 2550 के बराबर। तो 1275 को मैं अगर 2550 के बराबर करता हूं तो मेरे पास एक रेशो बराबर क्या आ जाएगा, एक रेशो मेरे पास बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी से। हाँ सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्त पहले क्वेश्चन तो समझ लो, पहले ही बार में समझ में आ जाएगा तो फिर मत बताने से मतलब क्या रहेगा, क्लियर है जी। हाँ वर्ग करने का ट्रिक, वर्ग करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन तो चलने दो यार, एक बार क्वेश्चन चलने दो, अभी मैं समझा रहा हूं सब कुछ। तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 1275, ये आपका आ जाएगा एक बराबर दो रेशो, है ना, और आपकी किस्त क्या हो जाती है, जो ये 676 है ना, इसको आप दो से गुणा कर दो, यही आपकी किस्त है 1352, ठीक है। नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से क्लियर करते हैं। देखो क्या करना है आपको, प्रोसीजर समझो, आपको मूलधन दे रखा होगा, दे रखा होगा, रेट से आपको 1/25 दे रखी होगी, अमाउंट क्या लिखना है, 25 26, प्रिंसिपल 25 26, इन दोनों को बराबर करना है, तो पहले साल में जो आता है उसका स्क्वायर, दूसरे साल में आता है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, जिनको आ गया वो बहुत अच्छी बात है, अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वंस मोर करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर क्लियर होगा, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो जब क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, अब कर लोगे तो आ जाएगा, देखो करके देखना जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आपके पास 6800 रुपए हैं दोस्तों, है ना, आपका मूलधन कितना है, 6800 रुपया है, वही बात आ गई, आपके दो समान किस्तों में दे रहा है और रेट कितनी दे रखी है, 12.5, तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, तो 1/8 लिख सकते हैं। तो अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 है तो एक आपका इंटरेस्ट है, अमाउंट हो गया आपका 9, ये आपका पहले साल के लिए हो गया। दूसरे साल के लिए क्या करते हैं, किस्त निकालना होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 64 और इसका स्क्वायर कर देते हैं 81, सिर्फ किस्त की बात कर रहा हूं, किस्त जब निकालते हैं तो हमें दूसरे साल में स्क्वायर करना पड़ता है। अब जब ये 81 आ गया ना तो मुझे इसको भी 81 ही बनाना है, तो मैं यहां पे 9 का गुणा करूंगा और ये रेशो बराबर होने चाहिए तो मुझे यहां पे भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और 8, तो मैं ये कह दूं 128 प्लस आपको 8 करना है। इसकी ट्रिक क्या है आपको अभी बताई थी, 9 को मैं 8 प्लस 1 लिख सकता हूं, 8 × 8 = 64 + 8, तो ये आपका आ गया 136, ठीक है। ये 136 आपका किसके बराबर है, 6800 के बराबर है, तो 136 मुझे 6800 के बराबर करना है, क्योंकि यही मेरा क्या है, मूलधन है, यही मेरा क्या है, मूलधन है। तो मैं यहां से 136 को जब इससे काटूंगा तो ये चला जाएगा 50 बार, कितनी बार, तो 1:50 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास 81 है, मेरे पास क्या है, 81 तो है दोनों, तो कोई दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए, तो ये किस्त और ये किस्त बराबर मान कितना है, 81 है उसका मान, तो 81 × 50 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4050 आंसर। अब आया समझ में, जिनको नहीं आ रहा था अब क्लियर हुआ बताए मुझे पहले, तभी मेरी संतुष्टि होगी, अभी भी नहीं आया तो घबराए नहीं, अगले क्वेश्चन से आ जाएगा, आएगा जरूर,
विश्वास रखो इस चीज का, आएगा जरूर। कैसे करना है अभी 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ, फिर 3 वर्ष के लिए बताऊंगा। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज को समझाया जा रहा है। आ रहा है तो बताएं। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि किश्त वाले केस में स्क्वायर होता है, किश्त वाले केसेस में स्क्वायर होता है, क्योंकि जब हम किश्त देते हैं तो किश्त हमारी बराबर होनी चाहिए ना हर वर्ष, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज की वजह से हर वर्ष बराबर होने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। क्लियर है? जी हाँ, हुआ ना। अब अगला क्वेश्चन भी होगा, अगला क्वेश्चन भी होगा। 50 क्यों भाई? 136 हमारा मूलधन है जो कि एक प्रॉपर मूलधन के बराबर कर दिया मैंने, तो 136 में अगर मैं 6800 के बराबर करूंगा तो 1 बराबर मेरा 50 आ जाएगा, तो मुझे 81 का मान निकालना है, तो 81 × 50 कर दो बस, ठीक है चलेगा। अभी नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखा दिया है, जल्दी से आंसर दो अब तो इसका, आप तो आना चाहिए आंसर। क्या बोल रखा है? मूलधन कितना है आपका? 12,300। मूलधन कितना है? 12,300। रेट कितनी है आपकी? 5% है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये हो गया 1/20। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/20 हो गया। अब आपको क्या करना है? किश्त का मान निकालना है कि प्रत्येक किश्त क्या होगी। तो मैं ये कह दूं कि आपका प्रिंसिपल अगर 20 है तो आपका अमाउंट 21 है पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष में अगर किस्त की बात करूं तो किस्त 21 है, यहां पे आ जाएगा आपका 400। स्क्वायर करते हैं दूसरे वर्ष में, और यहां पे भी हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441। मुझे इसको भी बराबर बनाना है इसके, तो मुझे यहां पे 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये कह दूं 820 मेरा यहां से आ जाएगा, मेरा 820 किसके बराबर है? इसके बराबर है। किसके? 123,000 के बराबर है। मेरा 820 किसके बराबर है? 123,000 के बराबर है। जी हाँ, अब आंसर आया ना। 128 कैसे आया भाई? मैं बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, आप कोशिश तो करो। 128 कैसे आता है? जब मैंने आपको बताया है कि 8×9 और 8×8 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा 128 आता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 8+1, तो 8×2 64, 8×2 64 128 और 8 136। क्लियर है? जी हाँ। तो आप इसको कैलकुलेट करें। हाँ, रिपीट कर दिया मैंने, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप कहाँ थे अभी तक ये बताएं मुझे। इंस्टॉलमेंट के अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर हुआ मुझे बताते चलें। सर एक्स, यस सर, क्लियर हो गया है हमें। अब तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/15, ये 1 बराबर आ जाएगा 15, तो आपको 441 का मान निकालना है, तो 441×15, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका आंसर? जी हाँ, आपका आंसर आ रहा है 6615 आपका आंसर हो जाएगा। 6615 आया। मुझे बताएं यस सर क्लियर हुआ है, फिर तीसरे साल का करेंगे। जल्दी से बताएं यस सर क्लियर हो गया, आप टेंशन नहीं है, आया समझ में कि हम कैसे कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दे दोस्तों, जल्दी से क्लियर करें मुझे। यार समझ क्यों नहीं रहे हो? 820 कहां से आएगा? इस वाले को और इस वाले को जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ता हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि 20×21 करोगे तो हमें कहां से टाइम है इतना करने का, या तो 420 हो जाएगा डायरेक्ट, 420 और 400 जोड़ते हैं तो 820 आ जाता है ना। तो ये तरीके तो आप अपनाने पड़ेंगे ना, आपको जोड़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, तरीके यही है, ठीक है चलिएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, अब इसको हटा देते हैं। अब मैं तीसरे वर्ष का ले रहा हूं एक क्वेश्चन, अच्छे से करेंगे उस क्वेश्चन को। तीसरे वर्ष का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों टेस्ट सीरीज धमाके के बारे में मैं आपको दोबारा से बता देना चाहता हूं, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, कि 50% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी परचेस कर लें। ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, 30, 31 और 1। और कैसे खरीदना है वो सब लिखा हुआ है मोबाइल ऐप के थ्रू, और आप वेब के थ्रू, और व्हाट्स कॉल और व्हाट्सएप नंबर पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चलिएगा। हाँ, अब आपके सामने चलता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो किश्त आपको निकालनी है, क्या करना है? किश्त आपको निकालनी है आपका, मैं दे देता हूँ डाउन पेमेंट। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कोई टीवी परचेज किया है, कोई टीवी परचेज किया है किसी बंदे ने, टीवी परचेज किया है, तो टीवी परचेज करने के बाद
उसने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया। मतलब अपन तुरंत भुगतान करते हैं ना कि भाई मेरे पास इतना रुपया है, तू 2400 रुपए तो अभी रख ले। टीवी वाले से बोला कि डाउन पेमेंट पे 2400 रुपए तो तू अभी रख ले तुरंत, और बाकी क्या बोलेगा, बाकी पैसे मैं 3 किस्त में चुका दूंगा तेरे को 3 साल की चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो बाकी जो पैसे हैं वो 3 किस्त में 3 इंस्टॉलमेंट में चुका देगा बेचारा, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 किस्तों में आपका चुका देगा बाकी का पैसा। अब क्या बोला गया है कि आपकी प्रत्येक किस्त दे रखी है यहां पे, आपकी इंस्टॉलमेंट दे रखी है 1296। अब बात वही है, अब आपको किस्त तो पहले ही दे दी उसने कि प्रत्येक किस्त आपकी कितनी है, 1296 रुपया है, ठीक है, प्रत्येक किस्त आपकी 1296 रुपया है, और आपकी जो रेट है, रेट कितनी है आपकी 20% है, रेट आपकी कितनी है 20% है। तो आपको निकालना है टीवी का मूल्य, कितने रुपए का टीवी आया था, तो टीवी कितने रुपए का आया था वो निकालना है कि कितने रुपए का टीवी है। जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। हाँ, अब ये क्वेश्चन 3 साल वाला है, 3 किस्त वाला, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। रेट आपको दे रखी है 20%, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लो 3 साल का कैसे करते हैं। ये हो गया 1/5, ठीक है, आपका प्रिंसिपल 5 है तो आपका अमाउंट 6 है, ये पहले साल के लिए है, लेकिन किस्त वाला केस है तो दूसरे साल में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 और इसका स्क्वायर कर दूंगा 36। यहां तक क्लियर है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दूंगा 25 और इसका स्क्वायर कर दूंगा 36। तीसरे साल में क्या करूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 125, और इसका क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 216, ठीक है। अब हम क्या करते थे, यही तो मेरे बराबर हो जाएगा, तभी तो किस्त के बराबर होता था, एक मान इसका, एक तीनों मान बराबर करने होते थे, है ना, तभी तो ये किस्त के बराबर होते थे। तो मेरी किस्त 1296 दे रखी है तो मुझे इसको 1296 करना है, तो इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मुझे किसका मल्टीप्लाई करने का, 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें मुझे 216 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तीनों बराबर बनाने हैं ना, जैसे कि हम उसमें बनाते थे। यहां पे मुझे 1296 बनाना है क्योंकि मुझे किस्त पहले से ही दे रखी है, तो मैंने यहां पे 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी मुझे 6 का करना पड़ेगा, यहां पे भी मुझे 36 का करना पड़ेगा, और यहां पे मुझे 216 का करना पड़ेगा। बस आपका आंसर आ गया, ये आपका आ जाएगा मूलधन, ये आपका आ जाएगा मूलधन, और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका मान आ जाएगा इससे 216 × 5 करना है। देखिए जल्दी से, 125 216 बिल्कुल सही है, 1/5 कैसे हुआ। सत्य व्रता राउत जी पूछ रहे हैं कि 20% को 1/5 कैसे लिखा। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे लिख दिया ये। अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो सच में भाई साहब मरने का मन करता है, सच बता रहा हूं। 20% को 1/5 लिखना कंसर्न नहीं है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, टीवी का मूल्य निकालना है, और अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी मेरे दोस्त। आपको मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि डेली क्लास अटेंड करें, 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है, क्लियर है, चलिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। थ्री मंथ या फोर मंथ वाला, ये 3 मंथ वाला ही है, ये 3 मंथ वाला है मेरे दोस्त, इसको हमें 1296 बनाना है, तो 1296 आ गया यहाँ पे, 1296 बनाना पड़ा हमें। अब जो इसका मूल्य आएगा आप इसको निकालना है, 125 × 6 करेंगे, जल्दी से बताइए। हाँ जी हाँ, 5 कैसे आया, कहाँ है 5, ये 5 जब एक बार, ये 5 है मूलधन आपका, तो मिश्रधन आपका 6 हो जाएगा अपने आप, ठीक है, इसका मूल्य था, ठीक है। कैसे समझ में आएगा, खुद ही तो सोचो यार, खुद दिमाग लगाओ कि सर तो शुरू से पढ़ा रहे हैं सारा, एक एक स्टेप समझाया है कि 20% को 1/5 भी कैसे लिखा जाता है, लेकिन हम बीच में आके कैसे समझ सकते हैं। तो यही कहूंगा कि अगर पढ़ना है, सीखना है चैप्टर, तो आपके साथ जो बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, जिन्होंने आंसर दिया है, उनसे पूछे कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है, चलिएगा। अब देखो एक बंदे ने पूछा, मेथड कोई और है क्या सर, कोई मेथड नहीं है इसके अलावा इसका, यही सबसे आसान मेथड है, बाकी एक फॉर्मूला है वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। चलिए तो आज की क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है,
और कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स, जो मिक्स चलते हैं ना, मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे कि अगर अंतर दे रखा हो तो कैसे, और इसके सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सब पता है, दोनों का अंतर पता है और कैसे निकालना है ये भी पता है। ठीक है, तो 4, 5, 6 ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख गया होगा, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चंस कल हम करने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। डेली क्लास अटेंड करें तभी आप सीख पाएंगे, 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो बताएं क्लास कैसा रहा? हाँ नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्लास है जी, बिल्कुल है ना, मैं कैप कर रहा हूँ, नहीं है? हाँ, तो सीधी सी बात ये है कि अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलता हूँ, चलिएगा, ये आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट है कि हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहीं मिलता है तो दवा भी यहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अगर दर्द यहीं है तो दवा भी यहीं है, जीना है यहीं पे, सुख भी यहीं है, दुख भी यहीं है, सफलता भी यहीं है और असफलता भी यहीं है। अगर आप अभी असफल हो रहे हो तो सफलता भी आपको मिलेगी, तो जुड़े रहो और मोटिवेटेड रहो हमेशा हमेशा। ठीक है, चलते हैं फिर, बहुत बढ़िया, बाय बाय, टेक केयर, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और टेस्ट सीरीज धमाका में जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। बाय बाय एंड टेक केयर।